नमस्कार। इन दिनों कुंभलगढ़ आमेर क्षेत्र में एक राजनीतिक चर्चाओं का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि उसमें जो एक पक्ष है वो उस क्षेत्र के विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ है और जो दूसरा पक्ष है वो भभूत सिंह कितावत है, कांग्रेस के संगठन मंत्री महामंत्री है, अभी हमारे साथ भी हैं। इनसे जानेंगे आखिर ये पूरा प्रकरण है क्या, मगर इनसे बात करें इससे पहले आप सुनिए वो ऑडियो आखिर है क्या। हाँ कैंप में, मतलब ठोकेला लोग की तो नाम पे नहीं, जो आपका नाम तो कई वो निकाले कई की लोग कूटता बेटा का आज बिल्कुल कूट तो कूटो तैयार होने कैंप में भी आज अच्छा, राजनीति में नहीं है तो कहना पड़े। आप माँ का नेता का बात नहीं कह रहा हूँ, आप घटे आप अक्षा कैंप में दे रहा बताओ। नहीं माँ तो हर कैंप में दे रहा, आप नहीं क्यों नहीं बिल्कुल बिल्कुल अरे नाम नहीं ली दो, पर माफी कोई गलत आपको नाम नहीं ली दो माऊ क्यों भाई आपका लोग बात केवे क्यों सोमस आई क्यों ये बिजली वगैरह फ्री नहीं ऐसा कहीं कूट वोट मानी तरफ राजनीति पॉलिटिक्स करनी मारे कहीं नहीं मारो कफन तैयार रखू। सुरेंद्र सिंह जी मैं किसी से नहीं डर रहा हूँ, मैं किसी गाली का गाली नहीं निकाल रहा हूँ, मैं कोई आप सब नहीं कह रहा हूँ। हाँ जो मैंने लोग कूटेगा तो मुझे जानू आज सही कूटता काले कूटता है बटे अपने वाले आप रुके भी अबे आप कह दीजिए मैंने कूटो। हाँ अबे कूटेगा ठीक है बाबा अगला कैंप में देख जाओ सूटा पड़े काले कूटता है बटे अपने वाले आप रुके भी अबे आप कह दीजिए मैंने कूटो। हाँ अबे कूटेगा ठीक है बाबा अगला कैंप में देख जाओ सूटा पड़े काले कूटता है बटे अपने। ये पूरा प्रकरण कल से चल रहा था, आज भभूत सिंह जी आए हैं राजसमंद जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय, यहाँ आकर उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज करवाई है और इस मामले में उन्होंने क्या कुछ आगे चल रहा है उनसे थोड़ी सी बात करेंगे। बबू सिंह जी पहले तो आप ये पूरा प्रकरण क्या है ये बताइए हमें। सर ये पूरा प्रकरण ऐसे है, मैं आमेर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का महामंत्री हूँ, तो अभी राजस्थान सरकार की जो योजना है महंगे राहत कैंप वो चल रहे हैं, तो उसके दौरान ही मैं हमारे पूर्व विधायक श्रीमान गणेश सिंह जी परमार के साथ ग्राम पंचायतों के अंदर जो कैंप है उनको अटेंड करते हैं हम, तो उसी दिन भी मैं इसी दौरान राचेड़ी ग्राम पंचायत के अंदर गए थे हम, वहाँ पे कैंप चल रहा था, तो वहाँ से हम जैसे ही बाहर से घुसे तो कुछ लोग वहाँ पे लोगों को ये कह रहे थे कि सिर्फ जुमला है कुछ नहीं है कुछ होने वाला नहीं है, तो मैं वहाँ पे ये समझ गया कि ये लोग कौन है, तो फिर मैंने तो भी मैं हम कुछ नहीं बोले, फिर हम जैसे अंदर गए हमने लोगों को समझाया बुझाया उनको ये योजना के बारे में बताया कि भाई आप इन ये राजस्थान सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है महंगाई से राहत बचत और बढ़त की जो है उससे आप फ़ायदा लीजिए और आमजन को फ़ायदा पहुंचे। फिर हमारे संबोधन के जब नेता लोग बोल रहे थे संबोधन अपना, तो मेरा जब नंबर आया मैंने उनको बोला तो मैंने दो तीन बातें कही थी, मैंने ये कहा था कि भाई एक तो ये लोग इस बात को लेकर गुमराह कर रहे हैं लोगों को कि भाई अभी कनेक्शन भी होने वाला नहीं है और बरसात ऋतु आ जाएगी और बरसात ऋतु के बाद कुछ होने वाला नहीं है, वापस सरकार चुनाव आ जाएंगे तो इसका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। तो मैंने उन लोगों को आगाह किया कि भाई आप परेशान नहीं होए, बरसात तो होगी तो कुएं में पानी आएगा और मोटर चलेगी ठीक है, और मैंने कहा भाई एक बात आप यहाँ के क्षेत्रीय विधायक जी से पूछना कि वो कैंपों में क्यों नहीं आ रहे हैं, ये बात ज़रूर मैंने वहाँ पे कही थी। अब हो सकता है इसी बात को लेकर क्षेत्रीय विधायक जी को कुछ अखरी हो बात, तो उन्होंने दूसरे दिन 10 बजे के करीब मेरे को फ़ोन किया श्रीमान, तो मैंने फोन अटेंड फोन तक तो आप आ रहे हैं उस पर भी आएंगे, मगर उसमें एक प्रकरण ये भी निकला राचेड़ी का पूरा मामला बता रहे हैं और ये बता रहे हैं कि आपने किसी वहाँ पर ये कहा है कि सुरेंद्र सिंह जी ये जब आए तब ये सवाल पूछना वो सवाल पूछना ऐसा करके आपने लोगों से कुछ बात की। हाँ मैंने यूँ कहा ना कि आप जब सुरेंद्र सिंह जी कभी गाँव में आवे तो आप ये सवाल पूछना कि आप कैंप के अंदर क्यों नहीं पधारे। पर ये तो कांग्रेस का कैंप है, कांग्रेस सरकार इसको चला रही है, इसमें कांग्रेस के लोग जा रहे हैं, अब इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई आए ना आए वो कोई ऐसा ये औचित्य वाली बात नहीं है। हो सकता है इसमें नहीं आए लेकिन मैंने पब्लिक से ऐसा कह दिया है कि भाई आप उनसे सवाल कीजिए ठीक है, कि फिर वो लोगों को भ्रमित जब उनके कार्यकर्ता लोग कर रहे हैं तो इस प्रकार मैंने ये उनसे पब्लिक का कहा कि भाई आप उचित समझे तो उनसे ये सवाल पूछना जी। फिर आपके पास फ़ोन आया सुरेंद्र सिंह जी का इस पूरे प्रकरण को लेकर, फिर क्या हुआ? फ़ोन आया दूसरे दिन सुबह 10 बजे मेरे को फ़ोन किया, मैंने फ़ोन उठाया उन्हीं के नंबर से फ़ोन आया था, तो उन्होंने डायरेक्ट कहा कि भाई आपको बबू सिंह जी कल भी वहाँ लोग कूटते थे, मैंने रुपया उनको और भी कूटेंगे और अब कूटेंगे और कूटेंगे कूट कर घर पे डाल देंगे ठीक है, इसलिए आप ये छोड़ दो। तो मैंने कहा श्रीमान मैंने क्या कहा है? नहीं वो जो ऑडियो जो हमने भी सुना है उसमें भी विशेष नाराज़गी उनकी यही थी कि आप उनकी अनुपस्थिति में उनके लिए कुछ मतलब बोल रहे थे कि क्यों नहीं आते हैं, पब्लिक से क्यों नहीं कनेक्ट होते हैं। नहीं तो सर राजनीतिक पॉलिटिक्स के अंदर तो
खाली गलौज नहीं निकाला हमने, तो सवाल जवाब तो पॉलिटिक्स में शायद मेरे हिसाब से कर सकते होंगे सर। वो तो आप ज्यादा जानते हैं, आप दोनों नेताओं के बीच का मामला। नहीं तो वो तो कर सकते होंगे, तो हमने तो सिर्फ एक व्यवहारिक तौर से पूछा है उनको, कोई जवाब ऐसा तो हमने कहा नहीं कि भाई नहीं कि उनको कोई नोटिस दे के बुलवा रहे हैं, कहा नहीं पड़ेगा। हमने ये पब्लिक से मंच के माध्यम से पब्लिक को कहा है कि आप उनसे सवाल जरूर करें। ऑडियो तो आपने वायरल कर दिया है, ऑडियो तो लगभग सबके पास पहुँच गया है, तो और भी लोगों के फीडबैक आ रहे हैं, लोग फोन कर रहे होंगे ना? लोग जरूर फोन कर रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं कि भाई आपने ऐसा कुछ गलत नहीं बोला और उन्होंने गलत बोला है। तो आखिर वो आज जिम्मेदारी पोस्ट पे है, विधायक हैं, और एक विधायक होते हुए जो उनको जो वो भारीपन रखना चाहिए था वो नहीं था। तो मैं अगर मान लो मैं तो कुछ भी बोल भी जाऊँ तो लड़कों में निकल जाते हैं कि यार चलो यार अभी मैं कोई जिम्मेदारी ऐसी पोस्ट है नहीं। वो एक जिम्मेदारान पोस्ट पे होते हुए ऐसा करें तो लोग तो आखिर नाराज़ होंगी। अब आप शिकायत के माध्यम से आपने पुलिस प्रशासन से क्या मांग की है? पुलिस प्रशासन से ये कही कि सर मुझे न्याय की गुहार थी, मैंने यहाँ पे आके मांग की है कि भाई मेरे साथ कभी भी अप्रिय घटना घटित हो सकती है, क्योंकि अगर एक क्षेत्रीय विधायक एक छोटे से कार्यकर्ता को इस प्रकार की धमकी दे, जबकि मैं तो एक साधारण कार्यकर्ता हूँ पार्टी का, उसको अगर इस प्रकार की धमकी मिले तो निश्चित तौर से सोचना पड़ता है श्रीमान की। हो सकता है अब एक साधारण कार्यकर्ता को धमकी मिली है, साधारण कार्यकर्ता आप कह रहे हैं हालांकि, और आपको यहाँ आके पुलिस से एक सुरक्षा की गुहार भी लगानी पड़ रही है, न्याय की मांग भी करनी पड़ रही है, मगर अभी भी कार्यकर्ता कांग्रेस का अकेला कैसे हैं? बाकी नेता कहाँ चले गए? नहीं, बाकी नेता का तो सर देखो मैंने किसी को कहा भी नहीं, मैं सीधा चला आया सुबह उठा जैसे ही, और वैसे जैसे हर दैनिक कार्य से निवृत्त होके, क्योंकि अब दूसरे कार्यकर्ता को क्यों परेशान करें? ऐसा तो नहीं है कि कल का मामला है और आज आप आए हैं, कल शाम तक भी इस मामले में कोई हलचल नहीं थी, आज तकरीबन दोपहर तक आप आए थे, ऐसा नहीं है कि पूरे राजनीतिक मंत्रणा हुई हो कि अब इसको राजनीतिक रूप से भुनाना है इस मुद्दे को, ऐसा तो कुछ नहीं? नहीं, कोई मंत्रणा नहीं हुई सर, और हम इस प्रकार के वो समझते हैं कि किसी को जुलूस के रूप में लाना और 5-15-20 कार्यकर्ता को ला के नहा हुल्ला कराना। किसी नेताजी ने फोन करके किसी ने ये तो नहीं कहा कि जाके कल मामला दर्ज करवाई देना? नहीं नहीं, किसी ने नहीं बोला सर, ये मेरा इतना तो मेरा विवेक काम देता है सर, मैं इतना कद में आपको छोटा दिख रहा हूँ। नहीं नहीं, कद में आप कद में और पद में दोनों में बड़े हो आप, वो तो छोड़ो सर, इसलिए बाकी इतना तो भगवान है, सरस्वती विराजमान है घंटों में, इसलिए थोड़ा सा विवेक है श्रीमान, इसलिए मैं अकेले से मैंने कहा किसको परेशान करना और क्यों ये माहौल बनाना कि लोगों को लाना और हुदड़ मचाना और कोई कोई बोल जावे और मतलब अपना माहौल खराब हो, इससे अच्छा है कि अपन अकेले चले आए। मैं अकेला चला आया, मैंने कहा मेरे दिन यहाँ से क्या पुलिस विभाग के माध्यम से क्या आश्वासन मिला आपको? पुलिस विभाग ने कहा है कि भाई हम आपको इसकी आगे CID को भेज देंगे रिपोर्ट और आपके जो भी होगा उचित कार्रवाई करवाई जाएगी। इस पूरे प्रकरण में हमने विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ से बात की। सरकार के जो भी रात कैंप चल रहे हैं उस रात कैंप में सरकार ने बिल्कुल कांग्रेसीकरण कर दिया है, कांग्रेस के छोटे मोटे नेता भी वहाँ जाकर के विधायक और पूर्व की सरकार हमारी सरकार पर आरोप लगाते हैं। इसलिए मैंने बाबू सिंह को फोन करके बोला था कि भाई इस तरह से मत बोलो, राजचटी में भी उस कैंप में वो गया था और ऐसी भाषा का उपयोग करा था, उससे बिगड़ने की स्थिति आ गई। गांव के लोगों ने SDM के सामने विरोध किया, फिर SDM ने बीच में पड़ के उनको बचाया। इसलिए मैंने उसको कहा भाई इस तरह के भाषा का उपयोग मत करो, इस तरह से यदि कैंपों में जाकर के विधायकों के खिलाफ बोलेंगे तो फिर जनता में आक्रोश होना स्वाभाविक है। अब ये तमाम चीजें कितनी सही कितनी गलत, परंतु अब ये पूरा पूरा विषय जा पहुंचा है पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में, पुलिस के संज्ञान में जा पहुंचा है। अब आगे वाली देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में ये पूरा पूरा राजनीतिक प्रकरण किस तरह से आगे बढ़ता है, इसमें क्या परिणाम निकल कर आते हैं। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से, धन्यवाद।